वेलकम टू वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हिंदी लिसनिंग स्किल असेसमेंट। आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं एकता का बल। एकता में होता है यूनिटी। आओ अब हम कहानी पढ़ें। एक किसान था, उसके 5 बेटे थे। सभी बलवान और मेहनती थे, पर वे हमेशा आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे। किसान ये देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। वह चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और मेलजोल से रहें। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान को हमेशा यही चिंता सताती रहती कि वह अपने बेटों में एकता कैसे कायम करे। एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। उसने अपने 5 बेटों को बुलाया। उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोलकर बिना तोड़ सकता है? किसान के 5 बेटे बारी बारी से आगे आए। उन्होंने खूब ताकत लगाई, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने बहुत आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। किसान ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने पर ये कितनी मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमज़ोर बनोगे। इसके बच्चों क्या शिक्षा में मिलती है? एकता में ही शक्ति है, फूट में है विनाश, और या हम कह सकते हैं एकता में बल है। एकता का बल इस कहानी का नाम है। बच्चों अब मैं इसमें से आपको प्रश्न उत्तर पूछूंगी और आपने उन प्रश्नों उत्तरों के जवाब देने हैं।